आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि ऑल इज नॉट वेल इन एनसी कांग्रेस अलायंस गवर्नमेंट। आज सुबह जो है पहले हमने देखा कि तारेक हमीद करा जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी है और उन्होंने एक बयान दिया कि 370 जो है जो रेजोल्यूशन जो है असेंबली में पास किया गया उसमें जो है 370 की बात नहीं रखी गई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के तारेक हमीद कराने का। और उसके बाद दरजवाब आज शाम जो है आगा सईद रूहुल्ला ने जो है उनको ये कहा कि किसी को जवाब नहीं है ऐसी बात करने की और कांग्रेस जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पे। बहरहाल सच्चाई क्या है, आगा सईद रूहुल्ला जो है सिटिंग एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कंपेनिंग में जो है स्टार कंपेनर भी रहे, हर किसी जो है एरिया में गए, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, हर जगह जो है लोगों से वोट लिए और उसके बाद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सौदाबाजी नहीं करेगी। और ऐसे में जो है मलिक अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं उन्होंने भी जो है नेशनल लेवल पे ये बयान दिया कि जो हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली में वहां पे जो है 370 की बात को जो है उसमें नहीं रखा गया है। हालांकि स्पेशल स्टेटस की बात की मगर कांग्रेस के जो तारेक हमीद कर रहा है उन्होंने कहा कि जो वहां पे है उस रेजोल्यूशन में जो है 370 की बात को नहीं रखा गया। ऐसे में जो है आगा सईद रूहुल्ला ने कहा कि जो एक स्पेशल स्टेटस जो है 1953 से लेके 2019 तक जो है जम्मू कश्मीर को मिला उस पे वो आज भी जो है कारबंद है और उनका स्टैंड जो है क्लियर है इस पे कि 370 35A स्टेटहुड ये सब कुछ वापस मिलना चाहे। अलबत्ता उन्होंने जो है तनकीद का निशाना जो है तारेक हमीद कर्रा को बनाया जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस को कि वो दुगनी पॉलिसी न चलाए। अब सच क्या है, मजीद सच क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे में जो है सियासत गर्म हो चुकी है और सियासी मुबसरीन का मानना है कभी भी जो है रिश्ता जो है कांग्रेस जो है इस अलायंस से जो है अपना हाथ जो है वापस निकाल सकते हैं क्योंकि लगातार जो है ऐसे बयानात जो है सामने आ रहे हैं और सियासी मुबसरीन का मानना है अगर इसी तरह के बयानात रहे शायद कांग्रेस जल्द ही जो है इस अलायंस से बाहर आएगा। वही हमने दूसरी तरफ देखा जब ओथ लिया गया उसमें कांग्रेस के किसी भी जो है एमएलए को जो है मिनिस्टर इंडक्ट नहीं किया गया। सच्चाई क्या है, एक सीनियर पोलिटिकल फिलासफर और सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर हयात हमारे साथ मौजूद है, तनवीर साहब से बात करेंगे। तनवीर साहब पहला सवाल आपसे, आज सुबह जो है तारेक हमीद कर्रा का स्टेटमेंट आपके सामने, उसके बाद आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने एक ट्वीट किया, इस सब को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या वेंटिलेटर पे जो है धीरे धीरे सरकार जा रही है? शुक्रिया आवाज साहब। असल में क्या है कि अभी जो है तारेक हमीद कर्रा साहब की जो स्टेटमेंट आई है जी उसपे जो है कि अभी बहुत से जो है कि कुछ एंगल्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी स्टेटमेंट को देखना होगा जी। पहली बात यह है कि जो अभी 370 पे रेजोल्यूशन जो पास हो गया है देखना यह है कि क्या उसमें वो चीजें नहीं है जो तारेक हमीद कर्रा साहब कह रहे हैं। तारेक हमीद कर्रा साहब को फिर चाहिए होगा पहले ये कि वो उस रेजोल्यूशन की एक कॉपी जो है कि वो पब्लिक करे सो दैट कि हम उस पर बिलीव करें। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे आप देखें कि आगा रूहुल्ला ने मतलब ओपनली उसको कंडेम किया है और ये बात भी कही है कि वो मिसलीड कर रहा है मतलब लोगों को जी जी। वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए या न्यूज आइटम बनाने के लिए वो ये सारा चीजें जो है या कुछ 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 सियासी मुबसिन का ये मानना है कि बाहर वाले स्टेटों में इलेक्शन जारी है इसलिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है जी। वही उसी तरफ मैं आने जा रहा हूँ अब साहब। असल में यही मैं कहने जा रहा हूँ कि एक अपोजिशन जो है अपोजिशन का काम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए जी। उसको ये चीज नहीं देखनी है कि किसी दूसरी रियासत में इलेक्शन है या कुछ और चीजें हैं। मेरे ये कहने का मतलब मेरा नहीं है कि जो एनसी कह रहा है कि वो 100% सही है। हम इस चीज को देखेंगे कि जब तक कि हमारे सामने वो सारा रेजोल्यूशन जो हो अगर हमने खुद उसको देखा है पढ़ा है उसमें ये चीज नहीं है तो तब जाके उस पे हम मतलब तनकीद कर सकते हैं जी। तनकीद कर सकते हैं या हम ये चीजें कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं जी। बाकी जिस तरह से तारेक हमीद कर्रा साहब ने कहा है और जिस तरह से उसकी अपोजिशन आ गई है यहाँ से तो इसमें दो ही चीजें हैं।
हम अब बिलीव उस पे करें या इस पे करें, तो आम लोग ना उस पे भरोसा करेंगे ना इस चीज पे भरोसा करें, क्योंकि लोगों ने आज तक देखा है कि सियासतदानों ने आज तक लोगों के साथ जितने भी वादे किए हैं कि उनमें तो वो सही खरे तो नहीं उतर पाए हैं। इसलिए लोगों के लिए ये दोनों स्टेटमेंट अभी जो है, मैं कह रहा हूँ कि इस पे लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं होगा। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो ये चीजें अच्छी है, लेकिन एक सेंसिबल वॉइस जो है वो यही है कि इस चीज, इस रेजोल्यूशन को अगर पब्लिक डोमेन में रखा जाए तो कम से कम पब्लिक भी इसको देखे। अब जब तक कि अपोजिशन वालों के पास भी कोई इसका जो है कि वो रेजोल्यूशन कॉपी ना हो, उन्होंने उसको जो है कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है, तब तक उनको भी एहतियात करनी होगी कि जब तक कि उसमें जो है कि अभी प्रेसिडेंट को कॉपी जा रही है, देखेंगे प्रेसिडेंट की भी है उस भी, वहां से उसकी लीगल इसके 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 डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स है, उन लीगल एस्पेक्ट्स को एनसी ने देखा होगा ऑब्वियसली। जो 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 चीफ मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी असेंबली में बोला है कि जब वहीद रहमान परा साहब ने इस पे जो है कि वहां ये स्टेटमेंट दे दिया असेंबली के अंदर, तो वहां से भी फिर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमने उस पे जो है कि बाज़ाब्ता तौर एक पैनल बैठी है, उस पे हमने लीगल एस्पेक्ट्स को देखने हैं। वो सारी चीजें देख के ही जो है कि उस चीज पे जो है कि फिर बाप जो है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में फाइल है, अब वहां से क्या ये आएगा, उसके बाद ही जो है कि किसी चीज पे हम मतलब भरोसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कहना है कि ये शायद प्रीमैच्योर होगा अगर इस टाइम पे हम इस चीज पे इस एक बात को लेके या दूसरी बात दूसरे साइड के उस पोर्शन को लेके हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब दैट इज सेंसिबल। तन्वी साहब आपने अच्छी बात कही कि अभी वो मौजूद टाइम नहीं है हम इस पे बात करें, पर क्या आपको लगता है कि दूरियां पैदा हो गई है अलायंस में, जिस वजह से 49 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो है असेंबली में मौजूद है, 49 सीट्स उन्हें अलायंस में जीती है। क्या आपको लगता है जिस तरह से पहले जब ओथ लिया गया उसमें कांग्रेस के किसी भी एमएलए को नहीं लाया गया, कहीं ना कहीं बातें बाहर चल रही है कि शायद कांग्रेस नाराज नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है एक गेम में फंस गई है? देखिए अभी 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 उस चीज को भी हम जो है कि ये जो है कि इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो है कि अनबिन पहले दिन से ही जो है कि देखी गई है, जब से इन्होंने अलायंस जो इलेक्शन में जो इन्होंने अलायंस की है, तो उसी टाइम जो है कि इनके बीच में जो है कि बहुत सारी सीटों पर जो है कि इनके दरमियान जो है कि वो कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गई है। उसके बाद भी जो है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी जो है कांग्रेस जो है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ना अपने अपने टांगों के पीछे ही खींचा है जी। तो पता नहीं है कि उनका रीजन जो है कि वो तो वही बेटर जानेंगे, लेकिन इनके दरमियान जो है कि देखने में आता है कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि असेंबली में उनका जो रोल वगैरह हम कह सकते हैं चूमा गोया बाहर चल रही है। एग्जैक्टली वो कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कार्यक्रम में करा साहब ने आज स्टेटमेंट दी है, जब रेजोल्यूशन पास हो गया तो तब तो उसने कोई बात ही नहीं की, तब तो खामोश थे। एटलीस्ट ही शुड हैव टू अपोज द मूव एट द फ्लोर ऑफ द असेंबली, लेकिन वहां तो खामोशी इख्तियार की है। अभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए अभी प्रीमैच्योर होगा कि हम किसी एक स्टेटमेंट को लेके बैठे। मेरे सामने अभी ये है कि ना मैं आगा रोहल्ला के स्टेटमेंट को अभी जो है कि 100% सही मानता हूँ, ना तारिक अहमद करा साहब के स्टेटमेंट को सही मानता हूँ, जब तक कि सही बात जो है कि लोगों के इन ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने ना आ जाए, जब तक कि हम रेजोल्यूशन को खुद तनी साहब एक और सवाल आपसे यहाँ पे बनता है। मल्लिक अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर में माने जाते हैं, स्टार कंपेनर भी थे पिछली बार यहाँ असेंबली में, उनका भी स्टेटमेंट आज जो है सामने आया है कि 370 जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है रेजोल्यूशन में नहीं पास किया कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है कि क्या किस पे अब बिलीव किया जाए? वही बात मैं कह रहा हूँ अब्बास साहब, असल में क्या है कि कांग्रेस जो इनका तो अभी जो है कि ये तो बिगर पॉलिटी है अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट में जी। इनका तो ये सही बन ये यही मैं कह रहा था जो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही है कि जो भी कोई अपोजिशन में बैठे उनको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट के किसी अच्छे कदम को भी जो है कि उसको सराहने के बावजूद सराहने तो नहीं गए, लेकिन उसको छोड़ के हम उसकी मुखालफत में आ जाए। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा कदम उठाती है तो वी शुड हैव टू अप्रिशिएट देम एज अ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कोई अच्छा काम करता है तो उसकी जो काफी सराहना मिलती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या है, अगर कोई अच्छा मूव भी उठाते हैं, कोई अच्छा कदम भी, कोई अच्छी डेवलपमेंटल या कुछ और भी चीजें गवर्नमेंट अगर कभी अच्छा करती है, चाहे वो सेंट्रल की हो या यूटी की हो या स्टेट्स की हो, तो वहां पे जो है कि हम फिर भी वो जो है कि अपोजिशन वहां भी करते हैं कि नहीं भाई ये मूव सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब ने भी जो है कि उसने भी कोई
उतनी कंक्रीट उसकी बात को हम नहीं ले लेंगे तब तक जब तक कि मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने यानी अभी प्री मैच्योर होगा कहना कुछ भी ये प्री मैच्योर होगा अभी आवासा वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ना इसके 370 जो है ये एनसी की खुद की मजबूरी भी है जी जी क्योंकि 370 जो है एनसी है इसके मुअज्जत है जी जी एनसी तो क्रिएटर है इस चीज का जी एनसी ने तो बीजेपी के साथ इसीलिए जो है कि एलएनएस भी नहीं की है बिकॉज ऑफ 370 जी 370 जो है आप समझ लीजिए ये एक शनाख्त बन चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसलिए ये खुद उनकी अपनी मजबूरी है कि वो इसके वापसी के लिए जो है कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाए जी जी अभी मैं कह रहा हूँ कि भैरव अमित करा साहब की जो स्टेटमेंट आई है मैं कह रहा हूँ कि वो प्रीमैच्योर होगा कि अगर हम उसको एट वंस इग्नोर करें लेकिन एनसी को भी जो है कि एक स्टैंड जो है कि लोगों के सामने ये रखना है कि 370 जो है या वहीद रहमान परा साहब ने भी लास्ट टाइम ये कहा है कि 370 के हवाले से उस तरह से बात नहीं किया या 35A उसमें जो है कि वो उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया है तो गवर्नमेंट जो इस वक्त है एनसी की उनको सरकार को चाहिए कि वो इस स्टैंड को एक ही वन दे शुड हैव टू सॉल्व इट वंस फॉर ऑल एक ही दफा जो है कि लोगों के सामने आए मीडिया के सामने आए वो इस बात को पब्लिक करे कि हमने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो सारे शक शुबहात जो है कि वो दूर हो जाएंगे। जी 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 चलिए तानवीर साहब आपने हमारे साथ बात की आपने बहुत अच्छी बात की कि अभी प्रीमैच्योर टाइम है कि कुछ कहना कि क्या वाकई जो है रेजोल्यूशन में 370 की बात रखी गई है 35A की बात रखी गई है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें शायद अभी इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल सियासी माइलेज हासिल करने के लिए कोई लीडर कुछ भी कह सकता है अलबत्ता लग रहा है कि दूरियां पैदा हो गई है अलायंस में। बिल्कुल अब्बास साहब दूरियां तो पैदा हो गई है अब ये पता नहीं है कि कब तक ये दूरियां जो है गिर जाएगी या दूरियां बढ़ती जाएगी इस चीज का इंतजार करना है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बार फिर कि अभी जो है कि कश्मीर के बहुत सारे जो हालात है जो है पोस्ट 19 से उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मेरी गुजारिश जाती गुजारिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये रहेगी कि वो एक कंस्ट्रक्टिव जो है कि एक अप्रोच लेके कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लेके जो है कि वो आगे आ जाए ताकि जो हमारी शनाखत जो है जिसको हम मानते हैं कि हमारी जो शनाखत है हमारी आइडेंटिटी जो है कि वो हमारे वो पोल्यूट हो गई है उसमें हमारी जो है कि बहुत सारी चीजें हमसे छीनी गई हैं अगर उसकी वापसी के लिए जो है कि हर किसी को इस वक्त जो है यूनाइट होने की जरूरत है अगर हम इतिहाद इस वक्त कायम ना करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें जो है कि हमें डिसयूनिटी से हासिल हो जाएंगी। कांग्रेस को चाहिए पीडीपी को चाहिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चाहिए या बाकी जो एक दो कैंडिडेट्स और भी हैं पीसी वगैरह के सजाद साहब वगैरह सबको जो है कि एक साथ मिलकर लड़ना है कि ये लड़ाई जो है हम जीत पाएंगे अदरवाइज हमारी शिनाखत जो है वो तो लुट चुकी है और वो लुटती रहेगी। फिर क्या आपको ये लगता है कि कश्मीर के मौसम और सियासत पे कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। बिल्कुल ये तो सही बात है आज तक तो हम यही देखते आए हैं किसी ना सियासत पे यहाँ के भरोसा है और ना यहाँ के मौसम पे भरोसा है इससे तो अभी जो है कि लोगों का तो मैं समझता हूँ पूरा भरोसा तो इसी चीज पे है क्योंकि यहाँ जितने भी लीडर आए हैं ये तो जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो तब एक बात होती है जब बाहर होती है तो तब दूसरी बात होती है इसलिए भरोसा किसी चीज पे नहीं तभी मैं कह रहा हूँ कि जब तक कि लोगों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज ना आ जाए रिटन फॉर्म में कोई चीज ना आ जाए तो बस वही सच है उसके अलावा जितनी भी बातें होती हैं वो तो सिर्फ बातें ही रहेंगे क्योंकि ख्वाब तो हमने 1947 से ही देखने शुरू हो गए हैं लेकिन आज तक उनकी ताबीर तो नहीं निकली है जी जी तो वो ताबीर कब निकलेगी तो वो अभी तो वो भी कहना अभी जो है कि मुनासिब नहीं है। मगर आपको तनवीर साहब ये भी मानना पड़ेगा कि अगर कोई भी अवाम के साथ धोखा करता है अवाम जानती है उसको पावर से हटाने के लिए एग्जैक्टली वो भी तो अब जो है कि वो भी जो है कि सियासतदानों को पता चला है कि लोगों को जो है कि कितना पावर है हमारे यहाँ भी जो है कि हमें स्टेट से यूटी बनाया गया है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पावर दैट बीजेपी हैज गॉट फ्रॉम द पीपल लोगों ने जब उनको डिसिसिव मैंडेट दिया है तब जाके उनके इतने हाथ मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने हमें स्टेट से यूटी बनाया है या हमारे जितने भी ये अपनी शिनाखत है 370 या 35A की सूरत में वो हमसे छीना गया है ये तब पॉसिबल हुआ जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। इसी तरह से यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को सब पॉलिटिशियंस को एक साथ होके लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया है असेंबली में भेजा है तो उन सबको ये एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है ताकि हमारी शिनाखत जो है कि वो फिर से बहाल हो जाए। जी जी जी
चलिए अभी अभी काफी वक्त लगेगा शिनाख्त को बहाल करने में। बहरहाल सच क्या है, रेजोल्यूशन में कौन सी बातें रखी गई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तनवीर साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया शाम के टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये थे तनवीर हयात साहब, जिन्होंने कहा कि अभी प्री मैच ओवर है कि हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुद्दा और मकसद आपके सामने लाइव आने का इतना था कि जो हमने जो है आपके सामने जो है ये बात रखी कि तारिक हमीद कर्रा का सुबह स्टेटमेंट आया कि 370 को स्पेशल स्टेटस में जो है नहीं रखा गया, रेजोल्यूशन में नहीं रखा गया है, यानी जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली ने रिसेंटली पास किया उसमें 370 की बात को नहीं रखा गया। वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से आगा सईद रूहला मेहदी ने कहा कि कांग्रेस को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वादा बंद है अवाम के साथ। बहरहाल सच क्या है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपने हमारे साथ ये जो है ये प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम से आपको आपसे गुजारिश है कि आप अपने आरा जो है वो लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वाकई जो है 370 को जो है स्पेशल स्टेटस जो है इस रेजोल्यूशन में रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये आप बता सकते हैं और अपनी आरा जो है हमारे तक पहुंचा सकते हैं।